ह्यूवेन कंपनी के बारे में मैंने काफी पहले बात करी थी और उसके बाद में एक वीडियो बना के बताया था कि ये कंपनी ये कोशिश कर रही है कि मोबाइल फोन का एक किलर क्रिएट कर दे, यानी एक ऐसा डिवाइस बना दे कि मार्केट के अंदर मोबाइल फोन के साथ साथ जो VR हेडसेट आते हैं, स्मार्ट ग्लासेस आते हैं, इन सबको रिप्लेस कर दे। यहाँ तक कि इस कंपनी का मोटो भी द फ्यूचर इज नॉट ऑन योर फेस, यानी कि फ्यूचर आपके फेस पर नहीं होगा, आप उसे पहनोगे और एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाएगी आपकी लाइफ से। और सबसे बड़ी बात यह कि आप उसका AI पिन यहाँ पे उसने लॉन्च कर दिया। लेकिन सवाल यह आता है, क्या ये जो AI पिन है क्या वाकई में स्मार्टफोन को किल कर सकता है कि नहीं कर सकता? देखो सबसे पहले बात करते हैं आखिर AI पिन है क्या। AI पिन एक डिवाइस है जिसे आप यहाँ पे पहन सकते हो, मैग्नेटिकली आप अपने कपड़ों के साथ इसे अटैच कर सकते हैं और सिर्फ कपड़ों के साथ नहीं, हैंडबैग या किसी और चीज के साथ भी। और इसके अंदर आपको एक एडिशनल बैटरी बूस्टर है जो मैग्नेटिकली अटैच हो जाएगा, उसको यहाँ पे चार्ज भी करता रहेगा। इस डिवाइस के अंदर आपको कोई डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको एक लेजर प्रोजेक्टर देखने को मिलता है जिसे लेजर इंक प्रोजेक्टर कहा गया है, जो कि मोनोक्रोमेटिक प्रोजेक्टर है और इसका यूज करके आप किसी सर्फेस में अपने हाथ पे कुछ चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं है और यहाँ पे आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ सेंसर, कुछ स्पेशल सेंसर वगैरह देखने को मिलते हैं मोशन जेस्चर्स वगैरह के लिए। और ये जो डिवाइस है पावर्ड स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ और बकायदा इस डिवाइस के अंदर खुद की eSIM भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन बात करें तो अगर यहाँ पे कोई कीबोर्ड नहीं है, टच स्क्रीन वगैरह नहीं है, तो उसके साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे? इंटरेक्ट करने का सिंपल सा तरीका यही है कि यहाँ पे आप अपने हैंड जेस्चर्स का यूज कर सकते हैं। जब आप प्रोजेक्टर से अपने हाथ पे कुछ देख रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रोजेक्टर की स्क्रीन को टच नहीं कर सकते, लेकिन हैंड जेस्चर का यूज करके डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो और बोलकर इसके साथ बात कर सकते हो, जिससे आप इसे कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ तक कि डिवाइस को टच करके इसके ऊपर कुछ जेस्चर्स वगैरह करके तब आप इसे यूज कर सकते हो। और बात करें डिवाइस यहाँ पर आखिर करता क्या, बेसिकली ये सारे वो काम कर सकता है जो आप किसी रेगुलर स्मार्टफोन पे करना चाहते हो, किसी को कॉल लगाना है वो, या फिर कोई मैसेज किसी को भेजना है वो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। और इसके अंदर एप्स भी नहीं आती, ये कहा गया कि ये AI वाली चीजों पे काम करता है और AI की सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और सिंपल सी बात है कि AI का इसके अंदर डीपली इंटीग्रेट किया गया। इवन जो AI इसके अंदर यूज की गई है वो ChatGPT जैसी है, जैसे ChatGPT काम करता है ठीक वैसे ये AI भी काम करती है, जिसके साथ आप बात करके कोई भी टास्क को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, लेकिन जब आप इसे देखेंगे समझेंगे तो बात समझ में आएगी यार किसी भी बिल्कुल एक नॉर्मल स्मार्टफोन जैसा ही है। मतलब एक स्मार्टफोन से स्क्रीन हटा के कुछ सेंसर और लेजर प्रोजेक्टर डाल दिया, यार काम तो वही कर रहा है, क्योंकि बेसिकली जितने काम इसके अंदर शोकेस किए गए वो एक स्मार्टफोन से आप कर सकते हैं। और वॉइस ऑपरेशन भी स्मार्टफोन्स में है, गूगल असिस्टेंट है, सीरी है, ये काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो आप बोलकर भी आप अगर आपको मोबाइल फोन को ऑपरेट कर रहे हैं तो वो चीज भी वहाँ पे पॉसिबल होती है, आप वहाँ पे काफी सारी चीजें कर सकते हैं। कहने की बात यहाँ पर सिंपल सी है कि ये यहाँ पे कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रहा है जो ऑलरेडी आप अपने स्मार्टफोन से नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कहा गया कि वॉइस ट्रांसलेट कर सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो कोई दूसरी लैंग्वेज समझता है, सामने वाले की बात सुनेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, एक अच्छा फीचर है। लेकिन यह काम आप मोबाइल फोन के अंदर भी कर सकते हैं। हालांकि इसका प्रेजेंटेशन काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन उसके अंदर भी एक दो प्रॉब्लम थी। जैसे की बात की जाए, हाथ में उन्होंने कुछ बादाम रखे थे और पूछा था इसमें कितनी कैलोरीज होगी, कितने ग्राम प्रोटीन होगा, जो आंसर दिया ना वो टोटली यहाँ पे रॉन्ग था। बेसिकली AI के ऊपर काम करता है, लेकिन अभी भी इस डिवाइस के साथ कुछ वैसी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है जो जनरली AI के साथ होती है या फिर ChatGPT के साथ होती है। अगर हमने कभी भी ChatGPT चलाया और उससे अगर कोई ऐसा सवाल या कोई ऐसी चीज के बारे में पूछ लिया जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता ना, उसके बारे में बिल्कुल बकवास लिख देती है। और यही काम यहाँ पर हो रहा है। AI इज नॉट 100% एक्यूरेट और जब AI से कोई ऐसी चीज पूछी जाती है तो बिल्कुल ही हेल्यूसिनेट करने लगती है। और इस वजह से लगता है कि एग्जैक्टली में एक स्मार्टफोन किलर नहीं है। देखो अगर मैं ओवरऑल डिवाइस को यहाँ पर देखूँ तो एक डिवाइस है, स्टैंड अलोन डिवाइस है, ये कोई एक्सेसरी नहीं है। इसके अंदर अपना खुद का सिम होगा, ये अपने खुद के ह्यूमन के नेटवर्क के ऊपर चलेगा और इसके लिए वो मंथली $24 चार्ज करे, जिसके अंदर डेटा कॉल्स और जो सर्विस होती है उसको। और इवन जो डिवाइस की जो कीमत उन्होंने USA में रखी वो रखी है $699। अगर मैं ओवरऑल बात बताऊँ ना तो ये डिवाइस अभी भी ऐसा है कि बहुत ज्यादा इनिशियल स्टेज में और अभी भी लगता है कि इस डिवाइस को और ज्यादा इवॉल्व होना है। इसी वजह से इस डिवाइस को सिर्फ एक ही कंट्री के अंदर लॉन्च किया जा रहा है, बाकी जगह लोग नहीं ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि अभी भी मेरे को डाउट है कि ये डिवाइस अगर मैं इम्पोर्ट करके इंडिया में लाऊं तो काम करेगा कि भी नहीं करेगा, क्योंकि eSIM मिलती है इसके अंदर, ऊपर से इसकी कनेक्टिविटी और AI के फीचर्स का क्या होगा, क्योंकि ये एक साधारण मोबाइल फोन जैसा नहीं है कि आपने बाहर से मोबाइल फोन खरीदा, इंडिया में अपनी सिम कार्ड डाली, चलने लग गया। ऐसा इसके साथ नहीं है, इसके साथ इसका अकाउंट होगा, काफी सारी चीजें होंगी, तभी ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली काम किस तरीके से करता है। हालांकि इस कंपनी का यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं है
इस डिवाइस को इंडिया में लाने का, क्योंकि बात बता सकता हूँ ये डिवाइस को मार्केट में लाके ये लोग यहाँ पे मोबाइल फोन को किल नहीं कर रहे। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, स्मार्टफोन को कौन सी चीज यहाँ पे किल कर सकती है। देखो कोई ऐसा डिवाइस है, कोई ऐसी चीज बना दो जो यहाँ पे स्मार्टफोन लेवल के जितने काम होते हैं वो कर सके या फिर उससे बेटर कर सके। यहाँ पे आप स्मार्टफोन के कुछ काम आप कर सकते हो लेकिन सारे काम आप नहीं कर सकते, जबकि एक स्मार्टफोन इस AI पिन के सारे काम कर सकता है। मतलब कि अगर आपको वेबसाइट विजिट करनी है, कुछ डेटा वगैरह यहाँ पर देखना है, इंटरनेट से कोई चीज सर्च करनी है, आप हर बार बोलकर ये सारी चीजें नहीं करोगे, आप हमेशा बोलते नहीं रहोगे, आपको कई बार प्राइवेट में कुछ टाइप करना है, कोई पर्सनल मैसेज लिखना है, ये सारी चीजें। या फिर एक मोबाइल फोन से अगर आप फोटोग्राफ खींच रहे हो तो आपको पता तो रहेगा कि आपकी फोटो यहाँ पे किस तरीके की आ रही है। इसके अंदर तो बस बटन दे दिया या फिर बोल दो क्लिक अ पिक्चर, आपको पता ही नहीं चलेगा फ्रेम क्या हो रहा है, देख क्या रहे हैं, एग्जैक्टली पिक्चर ले रहा है तो आखिर किसकी ले रहा है, वो उसका एंगल क्या है। यहाँ तक कि अगर आपको सोशल मीडिया एप्स यूज करनी है, यूट्यूब पे वीडियो देखना है, ये काफी सारी चीजें आप यहाँ पे नहीं कर सकते। मतलब कि एक डिवाइस को बनाने की कोशिश करिए, मेरी नजर में एक मोबाइल फोन का किलर नहीं है, एक फीचर फोन का किलर है, क्योंकि बेसिकली बात किया तो स्मार्टफोन में बहुत ज्यादा चीजें कर सकते हो और स्मार्टफोन को कोई चीज अगर रिप्लेस करेगी ना तो उसे हर मामले में एक स्मार्टफोन से बेटर चीज डिलीवर करनी होगी। आप इसे बिल्कुल फीचर फोन वर्सेस स्मार्टफोन की लड़ाई समझो। जब फीचर फोन आए थे तो कॉल SMS ये करते थे, लेकिन जब स्मार्टफोन आए तो स्मार्टफोन ने क्या किया, कॉल SMS के साथ इंटरनेट एप्स को लेकर आए, यहाँ पे बड़ा डिस्प्ले दिया, कंटेंट कंजम्पशन, वीडियो प्लेबैक, हर एक फंक्शनलिटी को बेटर तरीके से इंप्लीमेंट किया और इसीलिए उन्हें स्मार्टफोन कहा गया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल ही कि प्रोडक्ट बिल्कुल ही बेकार है। हालांकि देखना पड़ेगा फ्यूचर में इस टाइप की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कैसी रहती है, लेकिन थोड़ा सा नीश बेस्ड प्रोडक्ट है। और एक बात अच्छी लगी ह्यूमन कंपनी की कि वो यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छी चीजें अटेम्प्ट कर रहे जो कि नॉन स्मार्टफोन रिलेटेड है, क्योंकि जो कंपनी बनाई गई है ना ये एक्स एप्पल इंजीनियर्स ने बनाई है। और इस कंपनी की खास बात यह कि ये लोग कुछ नई चीजें, कुछ नए कंसेप्ट पे काम कर सकते हैं। और जब भी आप मार्केट में कोई नई चीज लाते हो ना तो गारंटी नहीं कि वो चले कि नहीं चले, लेकिन कई बार जरूरी रहता कि आप मार्केट में कुछ यहाँ पे नई चीज लेकर आ रहे हो। मेरी नजर में स्मार्टफोन तो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन स्मार्टफोन के साथ वेरिएबल टेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। क्या आप कोई मैग्नेटिकली पिन को यहाँ पर यूज करोगे या फिर क्या आप कोई VR हेडसेट को यूज करोगे? मेरी नजर में जो फ्यूचर हो सकता है वो कुछ AR ग्लास वगैरह का हो सकता है। इवन VR हेडसेट भी इतने ज्यादा बल्की होते हैं कि उसे लंबे समय तक पहना नहीं जा सकता। और इनका कहना है ना द फ्यूचर इज नॉट ऑन योर फेस, तो वो बात काफी हद तक सही है। और कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाने पड़ेंगे जो सीमलेसली आप पहनो और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के साथ यहाँ पे कनेक्टेड रहो। लेकिन फिर भी अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं एक ऐसी चीज का जो यहाँ पे स्मार्टफोन को रिप्लेस कर दे। क्या लगता है ह्यूमन की AI पिन यहाँ पे रिप्लेस कर पाएगी नहीं कर पाएगी, नीचे कमेंट बताओ। और अगर आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद है स्मार्टफोन्स के अलावा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, कोई वीडियो देखेगी मैं आपसे नेक्स्ट वन में। गुड बाय।